नमस्कार। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या फर्क है? भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त 73,000 बूथों की पहचान की है और इन बूथों में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो कमजोर है और उस पर उसने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। इस पूरी कमेटी में बैजंत पांडा हैं, दिलीप घोष हैं, ये तमाम नेता इसमें शामिल हैं। 73,000 बूथ इस पर काम करेगी और ये अधिकतर बूथ्स जो हैं वो पूर्व की तरफ हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल की तरफ। मगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में कुछ दिनों पहले एक शिगुफा छोड़ा गया था कि इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, मगर जैसे अक्सर एक प्रेम प्रसंग या एक लव अफेयर जो है वो फीका पड़ जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सबसे पहले खबर यह आ रही है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने के ऑफर को ठुकरा दिया है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी को 600 स्लाइड्स या 600 पन्ने का की एक पेशकश की थी, जिसमें उन्होंने बतलाया था कि कांग्रेस किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। मगर मैं चाहूंगा कि प्रशांत किशोर ने क्या लिखा है और इसमें उनकी कड़वाहट और उनकी बौखलाहट दोनों झलकती है। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? सुरजेवाला के बयान के बाद खुद प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रशांत ने लिखा, मैं एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने का कांग्रेस का प्रस्ताव मैंने ठुकरा दिया है। मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर यहां पर कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस नेतृत्व को तंज कस रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले तक प्रशांत किशोर जो हैं वो पार्टी में शामिल होना चाहते थे और अब जबकि डील नहीं बन पाई तो इस तरह से तंज कस रहे हैं। और कांग्रेस आलाकमान का क्या कहना है? रणदीप सुरजेवाला, जो कि 10 जनपद के बहुत करीबी हैं, वो कह रहे हैं, मंगलवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया और प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी देते हुए ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम उनके द्वारा पार्टी के लिए गए प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। पीके के तेवर से स्पष्ट हो गया है दोस्तों कि पीके खासे नाराज हैं इस वक्त कांग्रेस से। दरअसल पीके का जो बर्ताव है ना दोस्तों, मुझे कॉलेज की घटना याद आती है। हमारे कॉलेज में एक लड़का हुआ करता था, सुशांत नाम था शायद उसका, और वो एक लड़की थी कामिनी, उससे मोहब्बत करता था। उसने वैलेंटाइंस डे के दिन कामिनी को प्रपोज किया, कामिनी ने मना कर दिया। उसके बाद सुशांत इस कदर बौखला गया कि उसने कॉलेज में कई जगहों पर लिख दिया कामिनी बेवफा है और उसके बारे में अनाप शनाप चीज़ें। अब उसके बाद हुआ ये कि कामिनी के भाई कॉलेज पहुंचे, तसल्ली से पिटाई की सुशांत की और फिर कॉलेज ने भी बाहर का रास्ता सुशांत को दिखला दिया। यानी कि अगर मोहब्बत नहीं बनी तो मोहब्बत को बदनाम कर दो। पीके साहब का जो तेवर है वो कुछ इसी तरह से है। मगर क्या इससे कांग्रेस को छूट मिल जाती है? दोस्तों, जो लोग इस खबर पर नजर रख रहे हैं उन्होंने कई अहम चीजें कही हैं। जिन पत्रकारों ने इसे बहुत करीब से देखा है, इस पूरे घटनाक्रम को, यानी कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने या उस तरह की कवायद को, वो कई चीजें कह रहे हैं। मसलन मेरी दोस्त हैं स्वाति चतुर्वेदी, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वो चाहती थी प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल हों और एक अहम किरदार निभाएं, राहुल गांधी उसके खिलाफ थे। स्वाति चतुर्वेदी की माने तो ये अपने आप में पहली मिसाल होगी जब राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा में मतभेद उभर कर आए हैं एक मुद्दे को लेकर। इसके अलावा कई अन्य पत्रकार इस डील के ना बनने के, या ये कहा जाए इस लव अफेयर के बिखरने की कई और वजह बता रहे हैं। वजह नंबर एक, उनका कहना था कि प्रशांत किशोर पार्टी में एक बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका चाहते थे, यानी कि पार्टी में डी फैक्टो नंबर टू। अब पार्टी उन्हें इतनी जिम्मेदारी नहीं देना चाहती थी, इतना अहम किरदार नहीं देना चाहती थी, पार्टी उन्हें बहुत ही सीमित रोल देना चाहती थी। और जब ऐसा नहीं हुआ तो प्रशांत किशोर ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल होने से साफ तौर पर मना कर दिया।
यानी कि लव अफेयर जो है वो फीका पड़ गया। दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ 2 साल, जी हां उससे भी कम समय में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब तक यही तय नहीं हो पाया है कि अगस्त में पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। अगर राहुल गांधी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे प्रभावशाली नेता हैं, तो उन्हें यह जिम्मेदारी तुरंत ले लेनी चाहिए थी, मगर अभी तक उन्होंने यह जिम्मेदारी नहीं ली है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो उन्हें जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, मगर जैसा कि पर्दे के पीछे की खबरें हैं, उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी ये चाहती हैं कि यह जिम्मेदारी राहुल गांधी निभाएं, प्रियंका ना निभाएं, यानी कि पार्टी में ऊहापोह की स्थिति है। इसके अलावा गांधी परिवार किसी और नेता के पीछे भी अपना विश्वास नहीं जतला रहा है। देखिए साफ तौर पर अगर राहुल गांधी कतरा रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी और को यह भूमिका दी जाए। ना गांधी परिवार यह भूमिका किसी और को दे रहा है, किसी और के हाथ में शक्ति प्रदान कर रहा है, और ना ही यह जिम्मेदारी वो खुद ले रहा है। मैं जानता हूं आप लोग क्या कहेंगे कि भाई सोनिया गांधी तो अध्यक्ष हैं पार्टी की। मैं जानता हूं वो अध्यक्ष हैं, मगर सोनिया गांधी की उम्र हो गई है। इस वक्त पार्टी को एक युवा चेहरा चाहिए, या कम से कम ऐसा चेहरा चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और उनकी लोकप्रियता को चुनौती दे सके। पार्टी इस वक्त आपसी जो है सिर्फ टव्वल में उलझी हुई है। G23 एक अलग ग्रुप है जो बगावती तेवर अपनाए हुए है, जो चाहता है कि पार्टी कुछ करे, जो चाहता है कि गांधी परिवार दखल देना बंद करे ताकि किसी और को जिम्मेदारी दी जाए, जो चाहता है कि कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक चुनाव पारदर्शी तरीके से हो। यानी कि पार्टी के अंदर एक अजीबोगरीब द्वंद्व, या ये कहा जाए युद्ध चल रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, 1977 में हरिशंकर परसाई ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था। एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर उनके इस बयान को साझा किया है, और जो बात इसमें हरिशंकर परसाई कह रहे हैं आज वो कांग्रेस पर पूरी तरह से फिट बैठती लगती है। उन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस से आप उम्मीद मत कीजिए, ये नस्ल खत्म हो रही है। आगे गढ़ाए जाने वाले कालपत्र में एक नमूना कांग्रेस का भी रखा जाएगा, जिससे आगे आने वाले जान सकें कि पृथ्वी पर एक प्राणी ऐसा भी था। गैंडा तो अपना अस्तित्व कायम रखे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं रख सका। 1977 में, यानी कि जब आपातकाल खत्म हुआ था, जब कांग्रेस चुनाव हार गई थी, उस वक्त हरिशंकर परसाई ने बात कांग्रेस के बारे में कही थी। आज कांग्रेस सही मायने में चुनौती का सामना कर रही है और वो बदलने को राजी नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रशांत किशोर आकर जो है कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर पाते। पहली बात, प्रशांत किशोर की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 से पहले चाय पर चर्चा कर रहे थे, आप जानते हैं इस चाय पर चर्चा के पीछे सोच किसकी है, प्रशांत किशोर की हुआ करती थी, क्योंकि प्रशांत किशोर उस वक्त बीजेपी से जुड़े हुए थे। बात वहां नहीं रुकती है। ये जो भाजपा का जो बहुत ही बदनाम आईटी सेल है ना, जो महिलाओं को गाली देता है, आलोचकों के बारे में गंदे गंदे प्रोपेगेंडा चलाता है, इस आईटी सेल की, बीजेपी प्रचार तंत्र की जमीन भी प्रशांत किशोर ने रखी थी। प्रशांत किशोर उसके बाद पलटी खाते हैं और 2015 में नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी सरकार के साथ भी जुड़ जाते हैं, और कुछ महीनों बाद उनके साथ भी उनके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। फिर 2017 के जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे होते हैं, उस वक्त वो अखिलेश और राहुल गांधी के साथ होते हैं, फिर वो ममता बनर्जी के साथ चले जाते हैं, और दक्षिण में कई पार्टियों के साथ भी वो लगातार जुड़े रहे। यानी कि प्रशांत किशोर की कोई अपनी विचारधारा नहीं है, जहां हवा बह रही होती है वहां वो चले जाते हैं, और वो एक बिजनेसमैन की तरह है। जी हां, क्योंकि इन तमाम दलों के साथ जुड़कर, उनकी सेवाएं लेकर, उन्हें सेवाएं देकर, वो और उनकी संस्था जो हैं एक बहुत ही संपन्न संस्था बन गए हैं, और वो उनकी संस्था के बैंक बैलेंसेस साफ तौर पर नजर भी आती है। मगर मुद्दा यहां बहुत बड़ा है दोस्तों, मुद्दा सिर्फ पीके का नहीं है, मुद्दा ये है कि देश की भारतीय जनता पार्टी के अलावा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है,
भारतीय जनता पार्टी को अगर ये पॉलिटिकल पार्टी चुनौती देना चाहती है तो कितनी तैयार है? अभी भी आप अपने अंदरूनी मामलों के साथ जो हैं द्वंद कर रहे हैं, उलझे हुए हैं, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास इस देश में भाजपा का ऐसा विकल्प है, वो विकल्प जो भाजपा को चुनौती भी नहीं देना चाहती। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो, चीन का मुद्दा हो, और उनकी अधिकतर चेतावनियां जो हैं वो सही साबित होती हैं। मगर देखिए, हमें पॉल द ऑक्टोपस नहीं बनना है। पॉल द ऑक्टोपस क्या होता है? बहुत पहले दोस्तों फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था तो एक पॉल द ऑक्टोपस होता था जो भविष्यवाणियां करता था कि भाई कौन सी टीम जो है फुटबॉल मैच जीतने वाली है। तो राहुल गांधी का किरदार पॉल द ऑक्टोपस नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी का किरदार एक ऐसे राजनेता का होना चाहिए जो अपनी सोच से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दें। वो मुद्दे उठा रहे हैं मगर जमीन पर घुटने वाला, घिसने वाला जो राजनेता होना चाहिए ना, वो दिखाई नहीं देता है। और वो हमें ममता बनर्जी को छोड़ भारत में कहीं नहीं दिखाई देता है। मसलन अगर आप अखिलेश यादव को भी देखें या तेजस्वी यादव को भी देखें, इन दोनों ने ही चुनावों में उतरने में बहुत देर कर दी। जी हां, बहुत देर कर दी। तेजस्वी भी आखिरी लम्हों में बिहार चुनावों में उतरे, उसका फायदा हुआ भी और नहीं भी हुआ, क्योंकि आरजेडी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। अगर थोड़ी देर पहले उतर जाते और कोरोना काल के दौरान नीतीश कुमार की पोल खोल रहे होते तो शायद वो सत्ता में भी आ सकते थे। अखिलेश यादव, वो भी आखिरी 6 महीने उतरे थे। और राहुल गांधी भी दोस्तों गाहे बघाए विदेशी छुट्टी पर निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि देश में कोई मुद्दा चल रहा होता है मगर राहुल गांधी गायब होते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तो यह हालत है कि भाई सरकार कैसे चलाना है उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है, चुनाव कैसे जीतना है 24 घंटे उसके दिमाग में यही चलता रहता है। क्योंकि अगर ये लोग इतनी ही कोशिश देश को चलाने के लिए लगाते तो इतने बुरे हालत नहीं होती अर्थव्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।